You're a superhero. हे गाइस, कैसे हो आप लोग। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस प्रकार की न्यू स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो अगर आप भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप इस वीडियो को कैसे बना सकते हो। इस वीडियो में कोई भी ऐसा टेम्पलेट नहीं है जिसको आप यूज़ करोगे, आपको खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप काइनमास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना। अगर आप काइनमास्टर ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप हमारे मटेरियल्स वाले लिंक पे क्लिक करके जाके काइनमास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, सो अब बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। काइनमास्टर में आ जाना, डन। आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेकंड नंबर का साइज को सिलेक्ट करना, नीचे आना है, फिल करना है, फिर आपको नेक्स्ट वाला आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको इमेज वाला आइकन पे क्लिक करना है, एक ब्लैक कलर या व्हाइट कलर का कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसका लेना अपने वीडियो के हिसाब से रख लेना है। मैं जैसे कि अभी 20 सेकंड रख लेता हूँ। ओके, इस प्रकार से आपको रख लेना है, फिर आपको शुरू में आना है एंड लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपनी फोटो को एडिट करना है। सो गाइस, ये आपका चॉइस है कि आप एक फोटो के साथ वीडियो बनाना चाहते हो या मल्टीपल फोटो के साथ। ओके, तो मैं सिर्फ एक ही फोटो से बनाऊंगा। ओके, तो आपको करना क्या है, इस फोटो को थोड़ा सा जूम करना है इस प्रकार से, एंड इसका जो लेंथ है बढ़ा के इंटक कर देना है, एंड कैसे आपको थोड़ा सा इसको इधर स्लाइड कर देना है, इधर लेफ्ट साइड। ओके, थोड़ा स्लाइड करना है, एंड आपको फिर से आपको यहाँ पे इन में आ जाना है एंड की वाला आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा इधर राइट साइड स्लाइड कर देना है। बस थोड़ा सा करना है, ज़्यादा मत करना, क्योंकि इधर हमारा टेम्पलेट रहेगा उसमें हमारा फोटो जो है वो हाइड हो जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ही करना है। ओके, सो इस प्रकार से इतना आपको कर लेना है, फिर आपको शुरू में आना है एंड लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, सिंपली आपको इस वाले पीएनजी इमेज को एडिट करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो गाइस, आपको सिंपली इसको एडिट कर लेना है, फिर इसको यहाँ पे इस वाला आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करके इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको सिंपली स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इसका जो लेंथ है बढ़ा के एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर कर दोगे, फिर आपको शुरू में आना है एंड लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, सबसे पहले आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को एडिट करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको इसको एडिट करना है एंड इसका जो क्रोमा की में जाना है, और क्रोमा की में जाने के बाद इसको इनेबल करना है एंड की कलर ग्रीन रखना, इस बात का आप ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिक मतलब जो है कट हो जाएगा। फिर आपको डन करना है एंड इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देना है और नीचे लाना है और यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने कहाँ पे एडजस्ट किया है, आपको वहीं पे करना है। फिर आपको शुरू में आ जाना है एंड लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, सॉरी आपको मीडिया पे क्लिक नहीं करना है बल्कि आपको लेयर पे क्लिक करना है एंड टैक्स पे क्लिक करना है, और जो भी आपका लिरिक्स है वो यहाँ पे सिंपली लिख लेना है, जो भी आपका सॉन्ग है उसका लिरिक्स। ओके, तो जो मेरा सॉन्ग है लिरिक्स है वो मैंने मतलब लिख के रखा है, पहले मैं उसको कॉपी करके आता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी सॉन्ग के लिरिक्स यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने जो ये लिरिक्स यूज किया ये है तुम ही हो सॉन्ग का। ओके, तो ये जो लिरिक्स अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो मैं अपने जो वेबसाइट में जो मटेरियल्स डालूंगा वहाँ पे मटेरियल्स के नीचे लिरिक्स भी लिख दूंगा, आप चेक कर लेना, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, या तो आप कहीं पर भी गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, तुम ही हो लिरिक्स मिल जाएगा आपको। ओके, तो आपको करना क्या है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है एंड यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जाके आपको इंटर कर देना है, ताकि हमारा जो लाइन है वो थोड़ा जो हमारा एक मतलब पैराग्राफ है वो थोड़ा छोटा हो पाए, मतलब एक लाइन जो थोड़ा छोटा हो पाए जिससे कि हम सही से वहाँ पे लगा पाए इसको। ओके, इतना आपको डन करना है, फिर आपको यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है एंड ब्लैक कर देना है, ब्लैक करने के बाद डन करना है, इसका लेंथ बढ़ा के आपको एंटर कर देना है, फिर इसको यहाँ पे पहले सही से एडजस्ट कर देना है फिलहाल के लिए। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो है मतलब ये वाला टैक्स है इसको सेलेक्ट करना है एंड आपको इस वाला आइकन पे क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पे आपको बॉक्स आइकन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है हैंड राइटिंग पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपको हैंड राइटिंग पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कैप 24 और लिखा हुआ है लोबिंगो, क्या नाम है, सो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, या तो आप कोई और भी मतलब यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से आप देख लेना। सो जो मैंने यहाँ पे आपको बताया उसको आपको डाउनलोड करना है एंड बैक करना है, यहाँ पे आपको एक आइकन मिल जाएगा,
यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग देखते हो हैंड राइटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है और ये जो है कैफ 24 में इसको एडिट कर लेता हूँ। फिर आपको कट वाले आइकन पे क्लिक करना है तो अच्छे से लग जाएगा। अब इसका साइज अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, इसलिए मैंने इसको एडिट किया ताकि आप इसका साइज जो है अच्छे से रख सकते हो, आपको जो टैक्स है वो अच्छा दिखाई देगा, इसलिए मैंने इस फोन को यूज किया है। आपको ये फोन को भी यूज कर सकते हो, इतना आपको कर लेना है। फिर आपको शुरू में आना है एंड लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है स्टिकर पर एंड बॉक्स आइकन पर क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ हर्ट्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारा मिल जाएगा हर्ट्स वाला, जैसे कि आप हर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, तो मैंने इससे यूज़ किया था। तो आपको यहाँ पे बी माइंड जो लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है। एंड गाइस फिर से आपको शुरू में आना है एंड लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्टिकर पे क्लिक करके बी माइंड से आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे ये यूज़ करना है ये यूज़ कर लो, या तो मैंने ये वाला यूज किया था जो हमारा 3 नंबर पे है। एंड इसको एड करना है, इसका जो लेंथ बढ़ा के पहले एंड तक कर देना है, फिर इसको यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना ऊपर में। ओके, तो अपने हिसाब से इसको सही से एडजस्ट कर लेना है आपको। फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है एंड यहाँ से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और इस टेम्पलेट वीडियो को इसमें एड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको इसको एड करना है एंड इसका साइज बढ़ा के इस प्रकार से इसका ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना है। इसमें कोई ऑडियो होगा उसको आप ज़रूर से म्यूट कर देना। एंड गाइस इसका एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस को थोड़ा सा घटा देना है, सेचुरेशन को बढ़ा देना है। ओके, इस प्रकार से फिर आपको शुरू में आना है एंड लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। फिर गाइस आपको सिंपली करना क्या है, इस वाले जो है मतलब बॉर्डर इमेज को एड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको यहाँ पे इस बॉर्डर इमेज को एड करना है एंड यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे क्लिक करना है, इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको सिंपली स्क्रीन करना है एंड इसका जो लेंथ है बढ़ा के एंड तक कर देना है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आपकी जो वीडियो है वो बनकर तैयार हो जाएगी, यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, इस प्रकार से आपकी जो वीडियो है बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप टैक्स पे कोई अलग मतलब इफेक्ट लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, शुरू में आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करना है एंड एक ब्लैक कलर का जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है, बैकग्राउंड किसका लेना बढ़ा देना है इस प्रकार से। एंड गाइस आपको इस वाले कलर पे आइकन पे क्लिक करना है, सॉरी गाइस बैक हो गया, सो इस वाले कलर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड इसमें कोई भी कलर अपने हिसाब से लगा सकते हो, जैसे मैं ब्लू रख लेता हूँ। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे क्रॉपिंग में जाना है एंड यहाँ पे इसको ऑन करना है, सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है और ये दिखाई दे रहा है राउंड, इसको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे इसको पूरा राउंड कर देना है इस प्रकार से एंड बैक आना है, इसका ये फिदर इसको बढ़ा देना है इस प्रकार से। एंड फिदर बढ़ाने के बाद इसको अच्छे से इस प्रकार से जूम करना है एंड इसका ब्लेंडिंग में जाके सिंपली स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको की आइकन पर क्लिक करना है, शुरू वाले पोजिशन पर इसको ऊपर रख देना है एंड एंड में आने के बाद इसको प्लस करना है एंड इसको नीचे लेके आ जाना है ताकि जो आपका टैक्स पे है मतलब ब्लू ब्लू इफेक्ट आ सके। यहाँ पे आप लोग देखते इस प्रकार से लग चुका है। सो फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है, अपने वीडियो को यहाँ पे सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।